कुछ महीने पहला सोशल मीडिया से एक अपाहज नौजवान की खबर लगाई गई थी जो कि सड़क के कंडे पर बैठ के अगरबत्तियां बेच रहा था। जिस तों बाद इस नौजवान की जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आए तो एक बदलाव का हिस्सा तुहाडे नाल सांझा कर रहे हैं। इत्थे दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों इस नौजवान को मोटरसाइकिल दिता जा रहा है। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर सुखविंदर सिंह का कहना है कि पिछले समय सोशल मीडिया से खबर वायरल हुई थी जिस तों बाद असी अज इसके कोल पहुंचे हाँ। सुखविंदर सिंह का कहना है कि इस नौजवान की हर मुश्किल का हल करने की कोशिश करांगे। बहुत ही इस अपाहज नौजवान का कहना है कि मैं बहुत खुशी हुई कि दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मेरे बारे कुछ सोचा। इस नौजवान का कहना है कि काफ़ी समय तो मैं सोच रहा था कि मैं भी दिल्ली पहुँच के किसानी अंदोलन का हिस्सा बना पर मैं जा नहीं सकता सी क्योंकि मेरी साइकिल उत्थे जाने की हालातों में नहीं सी। मोटरसाइकिल मिल गई है तो मैं हुण जल्द ही दिल्ली वालों कूच करांगा। होर की कहा नौजवान ने आओ देखते हैं। परमात्मा बहुत का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे इस युग दे विच किसी भी इंसान दे अंदर जदों खुशी लैके आओ तो मैं कहना जीवन जीन का स्वाद आ जाता। अज सानू दिलों बहुत खुशी है, मेरा मन भर आया कि जदों कुछ दिन पहला सोशल मीडिया से तुहाडे वर्गे किसी वीर ने वीडियो पाई तो सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने वो वीडियो देखी। उस तो बाद सिरसा जी ने जदों इन्हां नाल इन्हां दे घर का पता लभ्या, इन्हां दा फोन नंबर लभा तो इन्हां नाल गल कीती कि ये अगरबत्तियां धूफ मेहनत करके अपना घर चला रहा सी। तो जदों उन्हूं साइकल बारे दस्या कि एक इलैक्ट्रॉनिक ट्राई साइकल कहिंदा मैनूं चाहिए, फिर ये मतलब दा जो जिदे नाल इन्हूं अपनी जिंदगी आसान लगे थोड़ी जी, ये असी एक दो दिन ला के सिरसा जी ने गूगल तो सर्च मार के ये साइकल इहदा तैयार करवाया जिहड़ा अज असी इस नूं साइकल देण वास्ते असी आए हाँ। असी चाहुंदे हाँ कि सच्चे पातशाह इहनूं हमेशा ही खुश रखे। किसी तरह की भी लोड़ इस वीर नूं होएगी असी अगे भी मदद करते रहांगे। दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी करोना काल दे विच लखां ही लोगों लंगर छकाउंदी रही है, मेडिकल सेवावां दिंदी रही है। करोना काल दे विच जिहड़े अकाल चलाना करके उन्हां दा संस्कार भी दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों किया गया। जदों लोगों नूं अपनी मौत का डर सताउण लग गया तो लोग घरां विच बह गए, उसले दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पूरे देश के अंदर लोगों का ढिड भरिया। उस तो बाद अज तुसीं किसानां दी गल कर लो, अज 39वां दिन है, पहले दिन तो दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी उत्थे रहण दा खाण पीन दा लंगर दा मेडिकल सुविधावां बैड बिस्तरे नैपकिन कपड़े बूट जराबां हर एक तरह की चीज़ उत्थे उपलब्ध कराई जा रही है। और इस तरह ही दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अगे भी समुची मानवता की सेवा करती रहेगी। जिथे भी किसी भी लोड़ हो दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने संपर्क कर सकता, वो जरूरत पूरी की जाएगी। आवाज़ कम टीवी लिए अमृतसर तो ललित शर्मा की रिपोर्ट।